बीएससी का मैथ है, एनालिटिकल ज्योमेट्री, ठीक है, एनालिटिकल जियो मैट्री। ये आपकी एक्सरसाइज 1.2 है। अब हम ना कंसेप्ट के लिहाज से क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है सबसे पहले, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 में है, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 साइन ऑफ 1 ओवर, ठीक है जी। अब यहाँ पर एक्स अप्रोचेस टू 0 का मतलब ये होता है कि अगर ये 0 है और ये नंबर लाइन है, तो या इन्हीं के हम इस तरफ से भी अप्रोच कर सकते हैं, लेफ्ट साइड से और राइट साइड से, यानी इसकी वैल्यू 0 नहीं होगी, यानी 0 से नज़दीक नज़दीक कोई वैल्यू होगी। एक्स अप्रोचेस टू 0 का मतलब ये होता है कि एक्स 0 नहीं है, यानी एग्जैक्ट 0 नहीं होगा, बल्कि 0 के नज़दीक नज़दीक कोई वैल्यू होगी, ठीक है। अब देखें यहाँ पे, यानी कि जिन बच्चों ने भी पेपर देने हैं 2021 में, तो रोज़ उनके लिए लेक्चर जो है ना अपलोड किए जाएंगे, तो आप साथ साथ रोज़ तैयारी करते हैं। अब एक्स प्रोचेस टू 0 का मतलब ये है, वी गेट वैल्यूज -1, 1 या इनके दरमियान में, यानी 0 point something, 0.001, 0.009 समथिंग, यानी -1 और 1 के दरमियान दरमियान, ठीक है। यानी हमें कोई डेफिनेट वैल्यू नहीं मिल रही, यानी ना तो -1 मिल रहा है ना 1 मिल रहा है, यानी एग्जैक्ट नहीं है। मे बी 1 आ जाए, मे बी -1 आ जाए, या कुछ और आ जाए, ठीक है। वही कांट गेट अ डेफिनेट वैल्यू। इसका मतलब ये है कि अगर हम 0 इसके ऊपर रखें भी, 1 ओवर इन्फिनिटी आ रहा है, इसका मतलब है लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है जी। तो आगे क्वेश्चन नंबर 10 है, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 एक्स साइन ऑफ 1 ओवर एक्स। अब यहाँ पर हम एक रिलेशन यूज़ करेंगे, लिमिट अगर एक्स अप्रोचेस टू 0 हो और साइन एक्स ओवर एक्स, ये आपने थीटा के साथ पढ़ा हुआ है 12th क्लास में, तो ये 1 होता है, ओके। लिमिट साइन एक्स ओवर एक्स अगर हो और एक्स अप्रोचेस टू 0 हो, तो ये 1 के इक्वल होता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, लिमिट को सेपरेट कर लेंगे, एक्स अप्रोचेस टू 0 एक्स के लिए, और फिर लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 साइन 1 ओवर एक्स। अब यहाँ पर एक्स तो 0 चला जाएगा यहाँ से, ठीक है, और डॉट इसके लिए हमने पढ़ा -1 होगी या 1 होगी या इनके दरमियान में कोई वैल्यू होगी। 0 से मल्टीप्लाई जब ये वैल्यू होगी, तो ये क्या हो जाएगा, 0, ठीक है जी। इसका मतलब है लिमिट एग्जिस्ट, यानी कि आंसर आया है, ठीक है जी। आगे क्वेश्चन नंबर 9 है, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू पाई टेन ऑफ साइन एक्स ओवर साइन एक्स।
अब देखें, अगर हम साइन पाए जो होता है, साइन पाए वो होता है ज़ीरो, ठीक है। अब साइन एक्स की वैल्यू अगर हम पाए रखें, साइन ज़ीरो हो गया, और टेन ज़ीरो जो होता है वो भी होता है ज़ीरो, ओके। अब इसका मतलब है ये ज़ीरो आ जाएगा ऊपर और नीचे भी ज़ीरो, ज़ीरो ओवर ज़ीरो अनडिफाइन होता है, यानी ये क्या हो गया, अनडिफाइन। तो अब हम क्या करेंगे, जब ऐसा मामला हो तो फिर हम कोई ना कोई सब्सटीट्यूशन कर लेते हैं, ठीक है। वो कैसे करेंगे, हम करेंगे लेट जो साइन एक्स है इसको हम थीटा बना लेते हैं। क्यों बना रहे हैं, ये हम ये वाली फॉर्म यहाँ बनाएंगे, ये वाली, ठीक है, ये थीटा हम सेम बनाएंगे तो फिर वन आ सकता है। तो हम कुछ सब्सटीट्यूशन कर लेते हैं, हम इसको क्या ले लेते हैं, थीटा। और अब देखें एक्स अप्रोचिज तो क्या हो रहा है, जब हम ये लेट करेंगे तो जो लिमिट होगी वो भी सब्सटीट्यूट हो जाएगी। अब यहाँ देखें, जब एक्स अप्रोचिज टू पाई होगा तो साइन पाई ज़ीरो होता है, तो थीटा का अप्रोच भी क्या हो जाएगा, ज़ीरो, ठीक है। तो इस तरह हमारी लिमिट तब्दील होकर क्या बन गई, एक्स अप्रोचिज टू पाई की जगह बन गया थीटा अप्रोचिज टू ज़ीरो और टेन थीटा ओवर थीटा। इसको हम किसी तरह इस फॉर्म में ले आते हैं, इस फॉर्म में, साइन थीटा ओवर थीटा के फॉर्म में। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इसको टेन, आपको पता है साइन थीटा ओवर कॉस थीटा होता है, वन ओवर थीटा, ये वाला साइड पे आ गया। अब देखें लिमिट थीटा अप्रोचेस टू ज़ीरो, साइन थीटा और ये थीटा हम इधर ले आते हैं और कॉस को इंटरचेंज करवा लेते हैं, ठीक है। अब ये लिमिट साइन थीटा ओवर थीटा क्या हो जाएगी, वन, क्योंकि ये थ्योरम है, और ये वन ओवर कॉस ज़ीरो, कॉस ज़ीरो वन होता है, वन 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 ही होता है, ओके जी। यहाँ पर ठीक है जी, सब्सटीट्यूशन की हमने और ये हमारा सवाल हल हो गया। आगे है क्वेश्चन नंबर 5। अब हमारे पास अगर हो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी और ये आ जाए एक्स ओवर एक्स की फॉर्म में, ठीक है, इस तरह का कोई भी आ जाए जिसमें सेम वेरिएबल हो, तब हमें कोई ना कोई सब्सटीट्यूशन करनी पड़ती है। जैसे हम फार्मूला लगा लेते हैं, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी वन प्लस वन ओवर एक्स की पावर एक्स बराबर ई, ठीक है, ये हमारे पास फार्मूला है। जो ई होता है, ई की वैल्यू होती है 2.71, ओके। अब ये आपने खुद असेस करना होता है, मैथ जो है ये बहुत ही इजी सब्जेक्ट है। इसमें क्या है, एक तो बंदा मेहनती होना चाहिए और दूसरा इंटेलिजेंट भी होना चाहिए, ठीक है। इंटेलिजेंट बाद में आ रहा है, यानी कि पहले मेहनती। तो अगर आप मेहनती हैं तो फिर आपके लिए कोई मसला नहीं है। ये रिलेशन आपने खुद असेस करना है, सवाल में उसने आपको नहीं बताना कि आपने कौन सा तरीका लगाना है, इसलिए आपने खुद असेस करना है कि यहाँ पर कौन सा लगेगा। तो इसमें क्या हमें बताया जा रहा है कि हमने कौन सी फॉर्म बनानी है, वन प्लस वन ओवर जो भी होगा वही हमने यहाँ पर लेना है, वन प्लस वन ओवर की फॉर्म बनानी है, और जो इधर वेरिएबल होगा वही इधर होगा, ठीक है। अब यहाँ हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14 है, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी वन प्लस टू ओवर एक्स की पावर एक्स। अब ये देखें, वन तो पहले बना हुआ है, यहाँ पर वन नहीं है, तो हमने इसको कन्वर्ट करवाना है किसी तरीके से। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, अब हम क्या करते हैं, अब इसको हम नीचे ले जाते हैं, ये देखो जो तीसरा बटा होता है
वो वापस आकर मल्टीप्लाई हो सकते हैं। यहाँ वन लगा के टू को क्या करते हैं, नीचे ले जाते हैं, यानी एक्स की पावर में। ठीक है जी, ये ऐसे आ गया। अब यहाँ पर हमें क्या चाहिए, जो इधर होना चाहिए वन के नीचे वही यहाँ पर चाहिए, क्योंकि हमने ये फार्मूले में पढ़ा है। तो यहाँ टू की कमी है, तो टू हम क्या करते हैं, टू से डिवाइड भी कर देते हैं और टू से मल्टीप्लाई भी करवा देते हैं। ओके, तो ये हमारी ये वाली लिमिट बन गई जो कि ई के इक्वल है। तो यहाँ आ जाएगा ई और इसकी पावर क्या आ जाएगी, टू। ठीक है जी, ओके, एनी डाउट्स? चलें, आगे जी हमारा क्वेश्चन नंबर है 15। क्वेश्चन नंबर 15, ये तरतीब बगैर तरतीब किस लिए करवाए हुए हैं, कि कंसेप्ट के लिहाज से, ठीक है, तो ताकि आपको समझने में भी आसानी हो। तो क्वेश्चन नंबर 15 है, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी वन माइनस वन ओवर एक्स की पावर एक्स। अब जो हमने फार्मूला पढ़ा है इसमें क्या है, वन प्लस वन ओवर की फॉर्म है, तो यहाँ हमने प्लस बनाने सेंटर में। तो हम क्या करते हैं, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी वन प्लस, माइनस को हम नीचे ले जाते हैं क्योंकि प्लस माइनस माइनस ही होता है। ओके, तो ये तो बन गया। अब हमें जो नीचे हो वन के वही बाहर बनाना होता है, तो हम क्या करते हैं, बाहर माइनस इधर भी लगा लेते हैं और माइनस वन से मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं। ठीक है, तो ये तो हमें पता है ना क्या होता है, ये ई बन जाएगा और ई की पावर माइनस वन, इसको पॉजिटिव बनाने के लिए नीचे ले जाएंगे तो ई की पावर वन हो जाएगी, वो हम नहीं लिखते। ओके जी, सिंपल सा क्वेश्चन था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर है 16, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी एक्स वन प्लस एक्स। अब हम उसने हमें सिंपल का हल करें, हमने खुद असेस करना है इसको कि ये क्या होगा। ठीक है, अब ये देखें यहाँ एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी का हुआ है, तो फ़ौरन हमारे जहन में ये रिलेशन आ जाना चाहिए, लेकिन कन्वर्ट करना पड़ेगा, थोड़ी सी मेहनत है। वैसे तो ये 1.3 या 12 क्लास की मैथ की, अगर आपने किए हुए हैं तो इजी होगा। इनको हम इंटरचेंज कर लेते हैं, नीचे वाली ऊपर और ऊपर वाली नीचे, तो यहाँ पावर क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। ओके, अब हम क्या करते हैं, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिट, अब नीचे भी कर सकते हैं, मेरे पास जगह कम है इसलिए, इसको भी वन ओवर, इसको भी एक्स से डिवाइड कर दें और एक्स को भी एक्स से डिवाइड कर दें, पावर वैसे ही आ जाएगी। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, तो एक्स एक्स से कटेगा तो वन, तरतीब भी चेंज कर लें साथ ही, और ये वन ओवर एक्स, बाहर क्या है, माइनस एक्स। तो हमें तो यहाँ पर एक्स चाहिए सिर्फ, तो हम क्या करेंगे, हम इसका जो माइनस है उसको हम बाहर ले जाएंगे, क्योंकि हमें तो एक्स चाहिए ये ऐसे। अब ये तो हमें पता है ना ई होता है, ये आ गया ई की पावर माइनस, पावर वैसे आ जाएगी, और इसको हम वन ओवर ई कर लेंगे। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 16। आगे है क्वेश्चन नंबर 24, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू माइनस वन एक्स पावर वन ओवर थ्री माइनस वन एक्स प्लस वन। ओके जी, अब अगर हम गौर करें, अगर हम यहाँ पर रखते हैं माइनस वन, माइनस वन की पावर वन ओवर थ्री प्लस वन ओवर माइनस वन प्लस वन, माइनस वन की पावर, अगर हम इसको हम कैसे हल करेंगे ये देखें ज़रा। माइनस थ्री, वन ओवर थ्री का मतलब होता है ऐसे, ठीक है, तो अगर हम इसकी पावर अंदर थ्री लेते हैं तो माइनस वन ही रहेगा, तो ये कटने से क्या आएगा वापस, माइनस वन। ठीक है, तो ये आ जाएगा माइनस वन प्लस वन और नीचे ज़ीरो आ गया, ज़ीरो ओवर ज़ीरो। ज़ीरो ओवर ज़ीरो की फॉर्म नहीं होनी चाहिए इसको, फिर क्या करना पड़ेगा हमको, ये सिंप्लीफिकेशन करते हैं इसके साथ, एक्स की पावर वन ओवर थ्री प्लस वन
एक्स की हम क्या करते हैं, 1/3 भी ले लेते हैं और 3 भी ले लेते हैं, क्योंकि ये आपस में कैंसिल हो जाएगा, वापस एक्स ही आएगा। और यहाँ पर 1 की पावर भी हम क्या ले लेते हैं, 1/3। तो यहाँ फार्मूला हम लगा लेते हैं, ओके, कौन सा, ये वाला, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। तो ये क्या होता है, ए प्लस बी ए स्केयर माइनस ए बी प्लस बी स्केयर। तो क्या आ जाएगा, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू माइनस इन्फिनिटी एक्स की पावर 1/3 प्लस 1, नीचे आ जाएगा एक्स की पावर 1/3 प्लस 1 फर्स्ट का स्केयर, तो ये 2/3 आ जाएगा, माइनस एक्स की पावर 1/3 प्लस 1। ये इससे कैंसिल हो जाएगा सारा, मतलब ये वाली ब्रैकेट। तो ऊपर तो आ जाएगा माइनस, ऊपर आ जाएगा 1, नीचे आ जाएगा एक्स की पावर 2/3 माइनस एक्स की पावर 1/3 प्लस 1। अब जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ हम क्या कर देते हैं, माइनस 1 कर देते हैं। एक्स की पावर, जहाँ एक्स है वहाँ माइनस 1 रख दिया हमने, 2/3 और एक्स की पावर माइनस 1, ठीक है जी। तो अब इसको देखें हम कैसे हल करते हैं, माइनस 1 की पावर 2/3, तो स्केयर अंदर रखते हैं और नीचे वाली बाहर चली गई। तो अब ये स्केयर है ना, इवन है, इवन हो तो प्लस 1 हो जाता है, इसकी पावर 3, तो 1 की पावर 3 है, अंदर अगर हम 3 ले लेते हैं, 1 की 3 1 ही होता है, तो ये 1 ही वापस आ जाएगा, ओके। ये आ गया 1 माइनस, ये माइनस 1 ही आएगा, ये भी हमने पिछले सवाल में हल किया है, तो ये भी माइनस माइनस प्लस 1 आ जाएगा, तो 1 प्लस 1 प्लस 1 क्या हो गया, 3, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर आगे है, थर्टी है, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी एक्स प्लस साइन एक्स ओवर एक्स। अब पीछे हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 साइन एक्स ओवर एक्स इक्वल टू 1 था। अब यहाँ एक नया फार्मूला यूज़ होगा, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ये एरो, ठीक है, साइन एक्स ओवर एक्स इक्वल टू 0, ठीक है। इसके लिए बनाने के लिए पहले हम इसको क्या करते हैं, सेपरेट कर लेते हैं, यानी एक्स इसके नीचे भी एक्स लगा दिया और साइन एक्स ओवर एक्स के नीचे भी एक्स लगा दिया, ये तो कट जाएगा ना, तो 1 आ जाएगा, ये आ गया 1 और ये आ गया साइन एक्स ओवर एक्स, ठीक है जी। इस पे सेपरेट लिमिट कर देंगे हम, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 प्लस लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी साइन एक्स ओवर एक्स, ये तो 1 ही आएगा, और ये हमने अभी ये फार्मूला में लिखा है, ये क्या होता है, 0, 1 प्लस 0 क्या होता है, 1, ठीक है। उसके बाद एक और चीज़ है, अब ये अगर नंबर लाइन है, इसको ये 0 है, अगर हम इधर से अप्रोच करें इसको, तो ये होती है लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट, और अगर इसको राइट साइड से अप्रोच करें तो उसको हम कहते हैं राइट हैंड लिमिट, और इसको हम कहते क्या हैं, वन साइडेड लिमिट, ठीक है, क्या कहते हैं, वन साइडेड लिमिट, ओके। यानी किसी भी अगर एक फंक्शन हमें दे गया है एफ ऑफ एक्स, उसके लिए जो लेफ्ट हैंड लिमिट होती है उसको हम कैसे लिखते हैं, एक्स अप्रोचेस टू 2 है तो उसके लिए ऊपर माइनस लिख दिया जाता है और आगे वो फंक्शन आ जाएगा, और अगर राइट हैंड लिमिट है उसके लिए हम कैसे लिखते हैं, एक्स अप्रोचेस टू 2 और ऊपर क्या लगा देते हैं, प्लस, और आगे क्या आ जाता है, फंक्शन, ठीक है। दो, ये दो लिमिट्स हैं, ये भी आपने पढ़ी हुई हैं। आगे है क्वेश्चन नंबर 25, 25 लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 3 माइनस 1 ओवर एक्स माइनस 3 माइनस 1 ओवर मॉड एक्स माइनस 3 मॉड। लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट जो है, इसको हल करने के लिए हम सब्स्टिट्यूशन यूज़ करेंगे, हम पुट करेंगे कैसे, एक्स अप्रोचेस टू एक्स इक्वल टू जो भी होगा यहाँ पर 3, जो साइन इधर होगा वो इधर, और साथ एच, ठीक है।
अब गौर से देखें, जब हम ये सब्स्टिट्यूट करेंगे तो लिमिट भी क्या होगी, चेंज हो जाएगी। अब ये देखें, अगर हम एक्स को यहाँ पर 3 अप्रोच करवाते हैं, 3 - 3, तो एच क्या हो जाएगा, अप्रोचेस टू 0 हो जाएगा। तो लिमिट बन जाएगी लिमिट एच अप्रोचेस टू 0 1 ओवर, अब ये हम इसमें दर्ज कर देते हैं, एक्स की जगह गया 3 - h - 3 वैसे ही -1 ओवर मॉड एक्स की जगह क्या आ गया 3 - h - 3 मॉड ब्रैकेट 1। ठीक है, लिमिट एच अप्रोचेस टू 0, 3 3 से कैंसिल, ये आ गया माइनस एच, यहाँ भी 3 3 से कैंसिल माइनस एच। ओके, लिमिट एच अप्रोचेस टू 0 -1 ओवर h, ये मॉड है, मॉड से नेगेटिव क्या हो जाता है पॉजिटिव, तो ये आ जाएगा एच, -1 ओवर h, -1 ओवर h, ये हो जाएगा -2 ओवर h। तो एच अप्रोचेस टू 0 है तो यहाँ 0 लगाएंगे तो ये 2 ओवर 0 इन्फिनिटी होता है, तो नेगेटिव ऐसे आ जाएगा। ठीक है जी, इसमें हमने थोड़ी सी सब्स्टिट्यूशन कर लेनी है। आगे क्वेश्चन नंबर 26 है, 26 लिमिट एक्स अप्रोचेस टू -2, और ये क्या है, लेफ्ट हैंड लिमिट एक्स स्क्वायर +2x -8 ओवर एक्स स्क्वायर -4। अब क्या करना है हमने, अगर हम इसमें -2 रखवाते हैं तो ये देखें -2 का स्क्वायर 4, -2 रखे तो -4 आएगा -8। नीचे 4 - 4, अब नीचे 0 आ रहा है, तो 0 हो तो अनडिफाइंड लिमिट होती है, हम उसको हल नहीं कर सकते। तो फिर क्या है, हम इसकी फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर +2x - 8। तो 8 के अगर हम फैक्टर करें तो क्या होता है, 4 2 8 होता है, 4x - 2x करें तो हमारे पास वापस, अगर किसी को नहीं आता तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको लहदा इसकी वीडियो बना के समझा दूंगा जरा वजाहत के साथ। इधर वैसे तो सिंपल है, BSc कर रहे हैं, तो x कॉमन लेंगे तो x+4, आगे -2 कॉमन लें तो x+4, तो ये हमारे पास आ गया यहाँ पर एक्स अप्रोचेस टू -2 की पावर -, ऊपर आ गया x+4 और x-2। और ये आपको पता ही, दो रकमें जब भी स्केयर बन रही हों, 4 2 का स्केयर है, तो एक दफ़ा प्लस हो जाती हैं और एक दफ़ा, तो ये -4 ही काट जाएंगे आपस में। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू -2 की - x+4 ओवर x+2। अब सब्स्टिट्यूशन कर लेते हैं, पुट एक्स इज इक्वल टू -2 और ये -h। ठीक है, तो h एक्स अप्रोचेस और h अप्रोचेस टू क्या हो जाएगा 0, कन्वर्ट करवा लेंगे। ठीक है, तो लिमिट h अप्रोचेस टू 0 तो वैल्यूज दर्ज कर दें, -2 - h + 4। ठीक है, और नीचे भी -2 - h + 2, लिमिट एच प्रोसेस टू 0, ऊपर आ गया 4 - 2 - h कट गया तो -h, एच प्रोसेस टू 0 करवा दें, 2 - 0 - 0, तो ये एनी नंबर डिवाइडेड बाय 0 क्या हो जाता है, अनडिफाइंड होता है हमारे पास, ये माइनस के साथ माइनस इन्फिनिटी आ जाएगी। ओके जी, आगे है क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1 - √1 - x² ओवर 1 - x। अब देखें, अगर हम यहाँ 1 रखते हैं तो ये 0 ओवर 0 की फॉर्म आएगी, तो फिर क्या करना पड़ेगा, हमको इसकी सब्स्टिट्यूशन कर लेते हैं। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, अंदर जो है वो 1 + x और 1 - x, ये फार्मूला लगा हुआ है, इसको हम खोल सकते हैं, नीचे आ गया 1 - x, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1 - अब ये जो ऊपर है इसको हम अलहदा कर सकते हैं, इसको अलहदा कर दें इसको, और अगर सिंपल कोई रकम हो उसको हम दो दफ़ा जज़र में लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि जज़र स्केयर होता है ना, दो दफ़ा करें तो वो जज़र काट के वो ही वापस आ सकती है। ओके, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1 - अब ये माइनस वाले एक दफ़ा काट जाएगी, ऊपर आ जाएगा 1 + x और नीचे आ जाएगा √1 - x। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे
वैसे ही पुट करते हैं, पुट एक्स अप्रोचेस टू, ये आ गया वन माइनस ये वाला और ये एच, और साथ ही क्या लिखेंगे, एच अप्रोचेस टू ज़ीरो, क्योंकि यहाँ जब एक्स वन रखेंगे वन माइनस वन ज़ीरो बन जाता है, तो लिमिट बनेगी लिमिट एच अप्रोचेस टू ज़ीरो, ये एच है ठीक है। तो यहाँ पर अंडर रूट वन प्लस एक्स, एक्स की जगह क्या आ गया वन माइनस एच, इस तरह नीचे वन माइनस है तो ये रखेंगे तो माइनस वन प्लस एच हो जाएगा, तो लिमिट एच अप्रोचेस टू ज़ीरो, ऊपर आ गया टू माइनस एच और नीचे आ गया हाली जजर एच, एच की जगह ज़ीरो रख दें, टू माइनस ज़ीरो ओवर ज़ीरो, एनी नंबर डिवाइड बाय ज़ीरो इन्फिनिटी आ जाएगा। ओके okay?